बीजेपी में टिकट की दावेदारी की संख्या बढ़ती जा रही है और गुरुग्राम में पटौदी विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे प्रदेश प्रवक्ता सत्य प्रकाश जरावता ने कहा है कि कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा है और पार्टी का जो फैसला होगा उसका सम्मान करेंगे। साथ ही उन्होंने भारी बहुमत से जीत का दावा भी किया। हमारे संवाददाता प्रियंका रावल ने सत्य प्रकाश जरावता से खास बातचीत की। R9 की टीम आ पहुंची है हरियाणा के पटौदी विधानसभा क्षेत्र में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सत्य प्रकाश जरावता जी। तो आइए सीधा संपर्क करते हैं सत्य प्रकाश जी से और जानते हैं कि ये जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर उतरने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि मैं पार्टी का प्रचार प्रसार करूँ और पूरे 5 साल के कार्यकाल में हमने विभिन्न विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी डिबेट में पार्टी का प्रचार किया, भिन्न भिन्न मंचों से भी किया और उसी कड़ी में चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं और पटौदी जहां से मैं रहने वाला हूं वो आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, तो स्वाभाविक तौर पर वहां के लोगों की इच्छा के अनुसार मैंने पार्टी में अपना दावा प्रस्तुत किया है और ये तय पार्टी ने करना है कि पार्टी मेरा क्या दायित्व तय करती है। इस बार सर आप चुनाव में उतर रहे हैं, आपके अहम मुद्दे जनता के बीच में क्या होंगे? देखिए, पूरा देश में जिस तरह से आज माहौल है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, विश्व के अंदर जिस तरह डंका बजा है और उसी कड़ी में हरियाणा के अंदर प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक नौजवान पर एक ही नाम है, मनोहर लाल, मनोहर लाल, मनोहर लाल, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है क्षेत्र में? नहीं नहीं, कांटे की टक्कर कहाँ होगी। देखिए, कांग्रेस ने जब पीछे मेयर के चुनाव हुए 5 चुनाव में तो कांग्रेस पलायन कर गई, कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ा और जब उपचुनाव जींद का हुआ तो आपने देखा कि जी कांग्रेस पास कैंडिडेट ही नहीं था, जो सिटिंग एमएलए था राहुल गांधी का चेहरा सुरजेवाला उसी को मैदान में उतारा और कांग्रेस तो अपने अंतर्द्वंद से झूम रही है। एक दलित समाज को गुमराह करने के लिए पहले तो अशोक तंवर की पिटाई की, तब शैलजा जी नहीं बोली। अगर शैलजा जी में भी थोड़ा बहुत था कि मैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व करती हूँ, 10 वर्ष तक वो रही, जब कांग्रेस का शासनकाल तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोसती रही और अभी भी उन्होंने कहा कि अधिकारी मेरी मीटिंग में नहीं आते थे, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो आज कैसे और किस मुंह से आज कांग्रेस की बात कर रही है प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व के नाते या क्यों समाज को गुमराह कर रही है, जबकि हरियाणा का पूरा 36 बिरादरी प्रत्येक क्षेत्र माननीय मनोहर लाल जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। सीटों को लेकर बंटवारे की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है, आखिरकार आप ऐसा क्या काम करने वाले हैं कि जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा जो उम्मीदवार है कमल का निशान है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मेरा काम टिकट पार्टी प्रकाश जरावता को दे चाहे किसी को दे, मेरा काम पार्टी के लिए वोट मांगना है। मुझे अगर पार्टी ने दायित्व दिया चुनाव लड़ा तो स्वाभाविक तौर पर जो लोगों की पटौदी क्षेत्र की जो जनता की उम्मीद है उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर हम काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सत्य प्रकाश जी, जिनका पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस बार जो है बीजेपी 75 पार नहीं 85 पार की सीटों से जीत हासिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राघव के साथ प्रियंका, R9 TV पटौदी।